भव्य राम मंदिर के अलावा बहुत कुछ नया हो रहा है अयोध्या में। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो पूरी होने पर श्रद्धालुओं को कराएंगी सुखद एहसास। सरयू की लहरों में क्रूज का मिलेगा मजा, तो रोप वे से रामलला का दर्शन होगा यादगार। कौन सी हैं वे परियोजनाएं जिनसे अयोध्या की बदल रही है तस्वीर, जानिए मेरे साथ और देखते रहिए राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या के कार सेवकपुरम में राम नाम के जिन पत्थरों पर 30 साल पहले छेनी हथौड़ी चली थी, वे अब रामलला परिसर पहुंच गए हैं। जल्द ही मंदिर निर्माण में इनका इस्तेमाल होगा। राम मंदिर निर्माण के साथ ही यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। नव्य अयोध्या के नाम से आधुनिकतम सिटी बसाई जा रही है। राम मंदिर तक जाने के लिए रोप वे, क्रूज में बैठकर सरयू आरती और सेल्फी पॉइंट जैसी प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। इन सभी परियोजनाओं के पूरा होते ही न केवल शहर को नया रूप मिलेगा, बल्कि राम मंदिर की छटा में भी चार चांद लगेंगे। अयोध्या में क्या कुछ नया हो रहा है, कैसे बदल रही है राम नगरी, ये सब जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशी का काम सितंबर 1990 में दो कारीगरों के साथ शुरू हुआ था। इसके लिए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से पत्थर लाए गए थे। इन 30 सालों में पत्थर तराशी का काम कभी तेज हुआ तो कभी धीमा। ऐसा भी वक्त आया जब काम ठप हो गया, लेकिन राम मंदिर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही एक बार फिर तेजी से छेनी हथौड़ी चलने लगी और अंततः तराशे गए पत्थर पूजन के विधि विधान के साथ रामलला परिसर पहुंचना शुरू हो गए। अब यह जल्द ही राम मंदिर निर्माण के काम आएंगे। अयोध्या का दिव्य और अलौकिक राम मंदिर 100 मीटर गहरी और 1 मीटर व्यास की 1200 पाइलिंग पर टिका होगा। पहले चरण में 9 पाइलिंग बन चुकी हैं, जल्द ही बाकी की 3 पाइलिंग का निर्माण होगा। सैकड़ों फीट गहरी खुदाई के साथ टेस्ट पाइलिंग में विशेष तकनीक से सीमेंट मिट्टी का मिश्रण डाला गया है। टेस्ट पाइलिंग पर लगभग उतना ही भार दिया गया है जितना भार राम मंदिर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का होगा। इसके बाद 1200 अस्त निर्माण शुरू होगा। इस तरह नींव भरने की प्रक्रिया पूरी होगी। राम मंदिर का निर्माण कार्य अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। IIT चेन्नई के वैज्ञानिकों की देखरेख में नींव के लिए पिलर्स की ढलाई हो रही है। इसी के साथ परिसर में अन्य निर्माण कार्य भी जारी हैं। इस बीच अयोध्या को नए ढंग से सवारने की प्रक्रिया पर भी काम शुरू हो गया है। सड़क, नाली और बिजली व्यवस्था के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा बन रहा है। इसके अलावा अयोध्या के ढांचागत विकास के लिए भी नव अयोध्या सिटी सहित कई अन्य परियोजनाएं भी एक साथ चल रही हैं। राम मंदिर अपने आप में अद्भुत और अनूठा तो होगा ही। ये देश का पहला ऐसा मंदिर होगा जो मैदानी क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद रोप वे की सुविधा वाला होगा। इससे भक्त रोप वे से सीधे राम मंदिर तक पहुंच सकेंगे। स्विट्जरलैंड की फर्म राम नगरी में नवनिर्मित बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और राम घाट के पार्किंग स्थल से राम मंदिर तक रोप वे निर्माण कराएगी। इससे श्रद्धालुओं के लिए सुगम मार्ग मिल सकेगा। सरयू संध्या आरती देखने के लिए पर्यटकों को क्रूज बोट उपलब्ध होगी। नॉर्डिक क्रूज लाइन सरयू नदी पर रामायण
कूच टूर नाम से प्रोजेक्ट शुरू करेगी। इसके तहत नया घाट से गुप्तार घाट तक रामायण क्रूज चलेगी। क्रूज बोट पर रामचरितमानस और राम कथा यात्रा फिल्म एनिमेशन के जरिए दिखाई जाएगी। बोट का प्लेटफॉर्म भी रामचरितमानस के मुताबिक होगा। पर्यटकों को रामराज का दर्शन कराने की योजना है। राम मंदिर में ऐसा घंटा लगेगा जिसे बजाने पर ओम की ध्वनि निकलेगी। इसकी गूंज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। 613 किलो की इस घंटे को तमिलनाडु के रामेश्वरम की राग लक्ष्मी मांडा ने भेंट किया है। ये 4 फीट ऊंचा और 3.9 फीट चौड़ा है। राम रथ पर रख कर इसे 21 दिन में 10 राज्यों की यात्रा के बाद अयोध्या लाया गया। सरयू नदी के नया घाट पर रामायण काल आधारित सेल्फी पॉइंट बनेगा। इसके लिए सिंचाई विभाग सरयू नदी पर ड्रेजिंग वाटर लेबलिंग का काम कर रहा है। राम मंदिर से 4 किलोमीटर दूर नव्य अयोध्या बसाई जा रही है। इस नए डिजाइन में अयोध्या धनुष के आकार की दिखेगी। इसे धनुषाकार यानी कर्मुखा पद्धति से डिजाइन किया गया है। आवास विकास के विशेषज्ञ इंजीनियरों और वास्तुविदों ने प्राचीन वैदिक नगरों के निर्माण और विकास में प्रयुक्त 8 विधाओं के परीक्षण के बाद इसे डिजाइन किया है। इसके तहत राम मंदिर के पास से जो सड़कें निकलेंगी वो ऐसे दिखेंगी जैसे मंदिर से सूरज की किरणें निकलकर बिखर रही हों। सड़कों के रूप में ये किरणें लंबी दूरी तक दिखाई देंगी, यानी राम मंदिर ही नहीं बल्कि सूर्यवंशी राजा राम की संपूर्ण अयोध्या नगरी भी भुवन भास्कर की ही तरह देदीप्यमान दिखेगी। ये सब इसलिए ताकि एक बार जब आप अयोध्या दर्शन को आएं, तो यहाँ की हर तस्वीर आपके जेहन में बस जाए, यादगार बन जाए। तो देखते रहिए अयोध्या के बदलते भव्य स्वरूप को। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।